फिर सब नहीं पहचान लेंगे। नंबर कैसे माला, माला के मणके मणकों के जो नंबर है वो ब्रह्मा के द्वारा आदि में माला बनाई जाती थी, माला बनते बनते टूट जाती थी तो माला बनाना बंद कर दिया। तो अभी भी क्या माला बनाना बंद कर देंगे क्या? वो इसीलिए हो सकेगा कि गुप्त पाठधारी हो, बाप अंत तक गुप्त रहेगा तो मालाएं तैयार होंगी। अगर बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो माला बनने की बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो अपन को कहे कि मैं बाप हूं भगवान हूं, उसका पाठ कौन सा साबित होगा? हिरण्यकश्यप का पाठ साबित हो जाएगा। भगवान बाप बाप बन करके आता है तो उसे अपने मुख से ये कहने की दरकार नहीं कि मैं भगवान बाप हूं। वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। और बाप के जो नंबरवार बच्चे हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और हाँ जी जोर से बोलो। खड़े हो जाओ, अरे भरा नहीं जाएगा, जोर से बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ 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 जी सुप्रीम सोल बाप आता है, वो कमजोर आत्मा में प्रवेश करता है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करता है? जो पतित आत्मा बन जाती है उसमें प्रवेश करता है, लेकिन वो सुप्रीम सोल की प्रवेशता की बात है। सुप्रीम सोल वो ऐसी तुरिया सोल है कि जिसमें प्रवेश करती है उसको संघ का रंग नहीं लगता। और बाकी जितनी भी सोल है चाहे कितनी भी पावरफुल हो, ग्रेट धर्म पिताएं क्यों न हो, वो जब भी प्रवेश करेंगे तो उनको संघ का रंग जरूर लगेगा। चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, वो जब आते हैं तो उस समय की जो पतित से पतित आत्मा होती है उसमें प्रवेश करते हैं। और पतित में प्रवेश करेंगे तो उन आत्माओं को संग का रंग जरूर मिलेगा, सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता है। आप तेलुगु में बोलिए तो समझ में आए सबको। हाँ जी, जो शूटिंग पीरियड में होगा वो ब्रॉड ड्रामा में भी होगा, शूटिंग पीरियड में नहीं होगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं होगा। है आज में भी नीचे गिरे थे, आज में भी नीचे गिरे थे, और अंत में शूटिंग का चक्र जब पूरा होता है तो अंत में भी नीचे गिरते हैं। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है तो ब्राह्मण से देवता नहीं बन सकते? ये अनुभव जब अनुभवी आत्मा बन जाती है, रियलाइज कर लेती है, रियलाइजेशन कोर्स पूरा हो जाता है तो परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बच्ची, वो विष्णु के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़े ही हैं। शिव को दोनों बच्चे हैं ना? नहीं,
वो तो सेवको, वो तो आत्मा हो गई, वो तो आत्मा की बात हुई। हाँ जी, जिनमें माँ की क्वालिटी ज्यादा है, जिनमें बाप की क्वालिटी ज्यादा है। माँ माने ब्रह्मा, जिसने माँ का पार्ट बजाया, दादा लेखराज ब्रह्मा में क्वालिटी कौन सी ज्यादा रही कि हर एक के कंट्रोल में रहा, सूर्यवंशियों के भी कंट्रोल में रहा जब तक रहे, और सूर्यवंशी जब चले गए तो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सब के कंट्रोल में माता बनी रही। तो उसको जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो भी रानी क्वालिटी के होते हैं, कोई न कोई के अंडर में रहने के स्वभाव वाले होते हैं, वो राजाई करने के स्वभाव वाले नहीं होते, सहयोगी स्वभाव है। लेकिन रावण के 10 सिरों का स्वभाव कंट्रोल करने वाला स्वभाव नहीं है। जो बाप के बच्चे हैं वो राजा बच्चे हैं। हाँ, जो आदि में बच्चे जाते हैं वो ही बच्चे हैं जो सिंध हैदराबाद में संख्या बताई गई है। सिंध हैदराबाद की टोटल संख्या कितनी बताई गई? 9 लाख। उनमें से सूर्यवंशी कितने हुए हैं? अरे आखरीन कितने होंगे? आखरीन 4.5 लाख होंगे ना। तो जो आखरीन 4.5 लाख हैं, सिर्फ संदेश लेने वाले, वो सारे ही सूर्यवंशी बच्चे निकल जाते हैं और वो अंत तक आते रहते हैं। संदेश लेने वाले प्रजा बनते हैं और पुरुषार्थ करने वाले राजकुल में आ जाते हैं। हाँ जी, जोर से बोलो ना। सूर्यवंश और क्या कहते हैं, चंद्रवंशी का डिफरेंस बताना है। सुष्ट सूर्यवंश और सुष्ट चंद्रवंशी का डिफरेंस। जो शुद्ध सूर्यवंशी होंगे वो सूर्य को ही फॉलो करेंगे, सूर्य के डायरेक्शन को ही मानेंगे, दूसरों के डायरेक्शन को नहीं मानेंगे। शुद्ध चंद्रवंशी और शुद्ध सूर्यवंशी की तो साधारण चंद्रवंशी वो होते हैं जो थोड़ा फॉलो करते हैं, दूसरा थोड़ा ब्रह्मा के फॉलो करते करते फिर दूसरों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। विजयमाला जो है वो शुद्ध चंद्रवंशी है। विजयमाला की जो मणकी बनेंगे 108 वो शुद्ध होंगे। उनमें भी जो 12 होंगे वो पूरे ही शुद्ध होंगे। है? हाँ जी, हाँ जी। चंद्रवंशी का हेड चंद्रमा होता है। जो भी चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला है, 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाहीन बनता है, जिसमें धब्बे दिखाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे दिखाए जाते हैं, वो ज्ञान चंद्रमा जो पृथ्वी से अलग होता है, पृथ्वी का हिस्सा माना जाता है,
पृथ्वी माना धरणी। एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसका एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया, जो चंद्रमा बन गया। माना पृथ्वी की औलाद है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। माने ब्रह्मा की सोल बल अपना शरीर छोड़ चुकी है, फिर भी अभी अंत तक किसके चक्कर काट रही है? जगदम्बा की चक्कर काट रही है। वो तो तब तक जब तक अधूरा है। बीज के संग में आवेंगे तो बीज रूपी स्टेज बन जाएगी। क्योंकि वो बेबी बुद्धि है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बेबी है। बेबी माने बच्चा बुद्धि। हाँ जी संगम भी कृष्ण भी शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? हैं? आत्मा का नाम होता है। आत्मा का नाम सिर्फ शिव का होता है। शिव ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का नाम शिव है जो कभी बदलता नहीं, और बाकी सब शरीरधारियों के ऊपर नाम है। तो जो संगम भी कृष्ण है वो कौन शरीरधारी है? फिर तो वही संगम भी कृष्ण हुआ, वही गीता का भगवान हुआ। नहीं नहीं, कृष्ण वाली सोल इस सच रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता बनती है। सच का आदि पत्ता, पहली रचना बनती है, और उसको जन्म देने वाला शक्ति का रचयिता कहा जाता है। तो जो रचयिता है वो ही बाप हो सकता है। हाँ सभी में प्रवेश करते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। हाँ जी, तो वो ब्रह्मा की सोल जब गुजरात में आते हैं तब पता पड़ता है ब्रह्मा की सोल की व्यवस्था हुई। हाँ जी, तो सभी स्प्रेड के रूप में प्रवेश करते हुए समय वो पहचान नहीं पाता। हाँ जी, कारण ये है कि बीज रूप आत्मा में प्रवेश होते हैं तो बीज रूप आत्मा में ताकत ज्यादा होती है, वो जड़ है, इसलिए उनको संग का रंग जल्दी लग जाता है। देवी बुद्धि है ना। हाँ, तो ब्रह्मा की सोल जब बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है तो बीज रूप बन जाती है, और गुलजार दादी में या उस तरह के और बच्चों में प्रवेश करती है तो उनकी खुद ही बीज रूप स्टेज नहीं है, वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं है ही नहीं। तो जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है, कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो तो कमजोर आत्माएं हैं ना। तो कमजोर आत्मा माने देह अभिमानी आत्माएं, उनमें कुछ न कुछ देहभान की कमी रह जाएगी अंत तक। वो देहभान की कमी को पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए उनके संग के रंग में वो आत्मा पहुंचती है तो बच्चा बुद्धि होने के कारण वो भी सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। हाँ जी, दुकान से बोल दीजिए। नवग्रह में सूर्य है और बृहस्पति है, तो बृहस्पति कौन है और सूर्य कौन है? पति साकार में होता है या निराकार में होता है? पति साकार में होता है। सुप्रीम सोल ओरिजिनल रूप में साकार है या निराकार है? वो पति बनता है ओरिजिनल
स्वरूप में, वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का। लेकिन जब वो साकार शरीर में प्रवेश करता है तो पति बनता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ज्ञान सूर्य कौन है और वृक्ष पति कौन है। बृहस्पति है प्रजापिता, वो पतियों का पति है, और सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो पति नहीं है, वो सूर्य है। सूर्य माना रोशनी ही रोशनी, कभी अंधेरा होने वाला नहीं है। प्रजापिता में तो अंधेरा भी होता है, आधा कल्प अंधेरा और आधा कल्प उजेला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रजापिता में प्रवेश करेंगे। हाँ जी बृहस्पति, बृहस्पति माने सदगुरु निराकार। क्या सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होता है या निराकार होता है? बिंदु होता है, तो वो साकार होता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। हाँ जी सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का पुंज है, उसमें कभी अंधेरा अंधेरा नहीं होता। माना ज्ञान सूर्य चैतन्य रूप में जब ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाता है तो वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। ध्रुव तारे से उसका मिसाल दिया जाता है। और बाकी जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। कभी अज्ञान अंधेरा आ जाता है, आया समझ में? हैं? क्या नहीं समझ सकते? पूरा समझ में नहीं आया, बाकी सब पता ही नहीं। तो पूरा करो। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, एक तरफ सूर्य आता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, और दूसरी तरफ पृथ्वी होती है। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, और इस तरफ पृथ्वी। पृथ्वी वासियों को चंद्रमा की परछाया दिखाई पड़ती है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अंधा हो गया, सूर्य के ऊपर अंधेरे का ग्रहण आ गया, या सूर्य के ऊपर परछाया पड़ गया। सूर्य के ऊपर कभी परछाया पड़ नहीं सकता। वास्तव में चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर पड़ता है, तो वो ये समझते हैं सूर्य को अंधेरा आ गया। अभी ये बात प्रैक्टिकल में चलती है। क्या जो आंखों के अंधे हैं, जिनकी बुद्धि में चंद्रमा बसा हुआ है, क्या चंद्रमा का ज्ञान प्रभावित है, प्रभावित करता है, उनकी बुद्धि सूर्य को अंधेरे में देख रही है, चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेता है, चंद्रमा में अधूरा ज्ञान है, ब्रह्मा में वो अधूरा ज्ञान से जो प्रभावित आत्माएं होती है वो ये समझती है कि सूर्य में अंधेरा है। लेकिन सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता, वो तो सदैव ही निश्चय बुद्धि है। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन होता है, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मा की रात को भी दिन बनाने वाला कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए, कौन है? शिव बाप तो बिंदी है, वो साकार रूप में जब ज्ञान सुनाता है, सदगुरु बनता है, तो वो अंधेरे को दूर करने का निमित्त बनता है। ब्रह्मा की रात को भी ब्रह्मा का दिन बनाने का निमित्त बनता है, निमित्त माना साकार है। जब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, जिस सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने उसी सेकंड में ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। अभी ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन चल रहा है? ब्रह्मा की रात होगी तो सब ब्राह्मणों की रात होगी, कंपलसरी। और ब्रह्मा का दिन होगा तो सब ब्राह्मणों का दिन हो जाएगा। सूर्य का सामने बैठे का सभी ब्रह्मा का रात में है। यज्ञ के आदि में कहते हनुमान ने सूर्य को हप कर लिया था, सूर्य को खा लिया, तो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रजापिता का प्रभाव खलास हो गया था ब्राह्मणों की दुनिया से। और तब से लेकर के 76 तक अंधेरा कायम रहा, सूर्य को हप कर लिया। हनुमान के लिए ही ये गायन बताया गया है, क्या अंधेरा कर दिया। ताय सुताय भई जग को जब तीनों लोग भयो अंधियारो, बाल समय रवि भक्त लियो। माना जब सूर्य छोटा था, कितने साल का था? 6-7 साल का बच्चा था। हाँ हाँ जी, उस समय उस सूर्य को हनुमान जी ने खा लिया है। वही आत्माएं दो हैं, कोई हनुमान बनती है, कभी कोई उसका पाप बनता है, कभी कोई उसका पाप बनता है। वही हनुमान है, वही गणेश है। राम की आत्मा कभी कृष्ण का बाप बनती है, कृष्ण की आत्मा कभी राम का बाप बनती है। हाँ जी, त्रेता में कलाएं इसलिए कम जाती होती हैं कि त्रेता जो है वो 13 जन्म देने वाला है और सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तो इसलिए जास्ती जल्दी नीचे उतरना होता है। त्रेता में 13 जन्म सती को 13 मोस्टली 13 जन्म लेते हैं सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ करके है। बाल शंकर, हाँ जी, हाँ, बाल शंकर को जो दिखाते हैं वो मोस्टली किस रूप में दिखाते हैं चित्रों में? कभी कभी छोटे से, कभी वो खुला, दोनों में। बाल शंकर को जो दिखाते हैं चित्रों में वो किस रूप में दिखाते हैं और कब दिखाते हैं? आज में भी दिखाया है कि अभी अंत में ही दिखाते हैं? बाल शंकर के चित्र पहले नहीं थे, अभी अभी आए हैं। माने आरंभिक जो पुरुषार्थ है वो बाल शंकर के रूप में है, और जो अंत का पुरुषार्थ है संपन्नता की स्टेज वाला वो ज्ञान गंगा को धारण करने वाला बड़े रूप का पुरुषार्थ है। और
हाँ जी हाँ जी बस्ती ध्यान पता है सोनी का लाइफ और एटीएम चक्र दिखा रहे हैं सात घोड़ा हाँ माने एक ही रंग मतलब एक ही छत्र माने एक छत्र छाया शिव बाबा की और सात घोड़े माने सात नारायण सात नारायण कहो या सप्तऋषि कहो वो उसके रथ को चलाने वाले बनते हैं और जो भी सात ऊंचे ऊंचे ऋषि हैं जो संपन्न से धारण करने पर नारायण भी बनते हैं कश्यप तो स्वयं ही है काश्य को पीने वाला याद का तेज पीने वाले को कहा जाता है कश्यप ऊंचे से ऊंचा ऋषि नहीं हाँ जी हाँ हैं हाँ दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा है केवल बीज रूप आत्मा चौरासी जन्म लेते हैं बोला बीज रूप आत्मा चौरासी जन्म लेते बोला 9 लाख आत्माएं ही 84 जन्म लेती है उनमें 4.5 लाख हैं आधार मूर्त और 4.5 लाख हैं बीज रूप तो जब 9 लाख ही 84 जन्म लेती है तो 4.5 लाख जो बीज रूप स्टेज धारण करने वाली है शरीर से वो क्यों नहीं 84 जन्म लेंगी है अब पूरा का मतलब 2-4-8 वर्ष कम हो जाए वो बात अलग है लेकिन जन्म पूरे 84 जन्म होते हैं हाँ हाँ जी हाँ जी लेंगे बीज का कभी नाश नहीं होता उनकी आसुरी पना मर्ज और इमर्ज होता है ऐसे कहें कि उनका जो विधर्मी पने का छिलका है वो उतरता है देवान का छिलका उतरता है जो अर्जुन है वो पुरुषार्थ का ऊंचे से ऊंचा अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है जिसके रथ में भगवान प्रवेश करते हैं भक्ति मार्ग में भगवान को कृष्ण समझ लिया है कृष्ण नहीं चलाते हैं उस रथ को अभी प्रैक्टिकल में बाप का जो रथ है प्रजापिता का रथ है उसको कृष्ण की सोल चलाने वाली है या भगवान की सोल चलाने वाली है हाँ तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान समझ लिया है इसलिए ऐसा समझते हैं कि घोड़ों की जो लगाम है वो कृष्ण के हाथ में कृष्ण के हाथ में लगाम नहीं है शिव बाप के हाथ में सारी लगाम है चाहे वो कोई भी घोड़े हो इस्लाम धर्म के बीज हो सनातन धर्म का बीज हो या बौद्ध धर्म का बीज हो सारी डोरी इस समय संगम युग में शिव बाबा के हाथ में है जी ये ज्ञान में घुसने की बात है जो ज्ञान में तीखा है वो उतना ही कम फिसलेगा माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी नहीं तो प्रभावित हो जाएंगे जी क्या वो बुद्धि की लगाम
बुद्धि की लगाम पकड़ने की बात है, है? ऐसी बात नहीं, शिव बाबा किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, सबको स्वतंत्र छोड़ता है पुरुषार्थ करने के लिए, जो जैसा पुरुषार्थ करना चाहे। और यज्ञ के आदि में किसके बीच में? बंगालों का बीच में जहाँ का मॉडल पड़ा है। हाँ जी पड़ा है। कौन सी चार आत्माएं है? जापान से आया है के एक अभिमान में बोला आपका। हाँ चार चित्र छपाए हैं। हाँ जी हाँ जी, ईस्टर्न जोन के लिए बोला तो चित्र थोड़े ही उस समय बने। ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ने का मतलब ये नहीं उस समय चित्र बन गए। ज्ञान का फाउंडेशन जो है वो ब्रह्मा में पड़ता है, जिस ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए प्रैक्टिकल में, और जिस धरणी में वो ज्ञान का बीजारोपण किया गया, गीता माता। और दूसरी वो माता जो न्यूट्रल रही, उन तीन आत्माओं के बीच में फाउंडेशन पड़ा था, गीता माता से कृष्ण बच्चे की पैदाइश हुई। जो चार बीज रूप आत्माओं की बात है, दूसरे दूसरे धर्मों की बीज, उनकी बात नहीं है उस समय। कौन चार आत्माएं पक्के सूर्यवंशी कैसे हो सकते हैं? उनमें एक ही पक्का सूर्यवंशी है। हाँ जी बाबा, बच्चू बादशाह बीनू मस्जिद, बच्चू को बादशाह बनाते हैं। जैसे द्वापर युग के आदि में ब्रह्मा है बच्चू, उसको राजा विक्रमादित्य बादशाह बनाया गया, और प्रजापिता वाली आत्मा वजीर बन करके रही। रास्ता बताने वाली, ऐसा करो ऐसा करो, मंदिर बनाओ, शिवलिंग स्थापन करो। उनका मंत्री है लेकिन बाप ही मंत्री होता है। सतयुग त्रेता में भी ढेर मंत्री नहीं होते हैं, वहाँ बाप ही मंत्रणा देता है। द्वापर कलयुग की दुनिया में मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है, माना ढेर बाप बना लेते हैं। बाबा लाफिट ने एक बात बोला, हाँ। अर्जुन आजाद जो घर में रहते हैं रोज मुरली सुनते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, अर्जुन आजाद सभी का, हाँ। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सन्यासी बन के नहीं रहते, वो अर्जुन बनते हैं। जो सन्यासी बन करके रहते हैं वो अर्जुन नहीं होते हैं। क्या बात है, प्रश्न क्या है इसमें? समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? अभी आया। आया, चलो आगे। हाँ जी हाँ जी, तो सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा जन्म लिए तो ज्यादा पुनर्जन्म हुए, ज्यादा निश्चयानिश्चय का चक्र आएगा, और जिसने कम जन्म लिए उसको निश्चयानिश्चय का चक्र भी कम आएगा। मतलब 84 जन्म लेने वाले को ज्यादा निश्चयानिश्चय आएगा ना। रुद्रमाला और क्या, रुद्रमाला को, अब रुद्रमाला को क्या, सारों को ही। अभी द्वापर सोचने वाले कितना नहीं है ना, है द्वापर से जो आत्माएं, जो आत्माएं बच्चों के रूप में जन्म लेंगी
सतयुग में रुद्रमाला के मणका नहीं बनेंगी, उनको निश्चय निश्चय का चक्र नहीं आता है। मन प्रवेश करने वाली जो आत्माएं हैं अभी, जो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही हैं, उनको निश्चय निश्चय का चक्र नहीं आता है, उनको भी आता है। जितना जन्म ज्यादा उतना निश्चय निश्चय का चक्र ज्यादा। प्रजापिता तो उस चक्र से ही गायब हो गया। वो वर्तमान संगम युग में जब से बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि रहता है। उसमें तो मुकर्रर रूप से प्रवेशता है, बाकी में मुकर्रर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई है वो ब्रह्मा के लिए चलाई है या प्रजापिता के लिए चलाई है? है? प्रजापिता के लिए चलाई है। तो जिसके लिए मुरली चलाई है उसके लिए बोला है। मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। मैंने इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है, ये काम पूरा नहीं करेगा, इसलिए इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है। सुनाता हूँ तुम बच्चों को। तुम बच्चों में भी एक बच्चा है नारायण बनने वाली आत्मा और एक बच्चा है लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, एक है धारणा वाली आत्मा और दूसरी है बीज रूप स्टेज वाली आत्मा। एक है रूप माना योगी और दूसरा है वसंत माना धारणा संपन्न। इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। प्रैक्टिकल धारणा विष्णु के द्वारा होती है, थ्योरेटिकल धारणा शंकर के द्वारा होती है। लास्ट में जो भी रुद्रमाला के 108 मणके हैं उन सबको सूर्यवंशी बनना पड़े, झुकना पड़ेगा, उससे पहले वो अपनी अपनी चलाएंगे। जब तक धर्मराज के डंडे पड़ते पड़ते उनके पूरे छिलके नहीं उतरेंगे तब तक वो अपनी मनमत चलाते रहेंगे। है? हाँ जी, हाँ जी, 9 लाख सूर्यवंशी अंत में बनेंगे, उनमें 4.5 लाख है चंद्रवंशी, जो चंद्रवंशी रुद्रमाला के आधीन हो जाएंगे तो वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बात मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बन सकती जब तक विजय माला के मणके उनके सहयोगी न बने, पक्की प्रवृत्ति मार्ग की माला न बने तब तक वो संपन्न ही नहीं बन सकते। है? नहीं पकड़ सकते। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में नहीं पिरोए जाएंगे, विजयमाला में नहीं पिरोए जाएंगे जब तक तब तक संपूर्ण विकारों पर विजय नहीं हो सकती। हाँ जी, प्योरिटी, प्योरिटी तो गाय तभी जाती है जब स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री अलग हो पुरुष अलग हो, सन्यासी बन के रहे तो प्योरिटी का गायन कैसे होगा? वो तो सन्यासियों वाली प्योरिटी हुई।
और समान पुरुषार्थी चाहिए। है संपन्न स्टेज है, होता नहीं है लेकिन उसमें प्रवेश है, इसलिए होता है। अपनी अपनी पावर से नहीं होता है, जो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश है उसके आधार पर है। बाकी ऐसा नहीं है उसको संघ का रंग नहीं लगता है, प्रजापिता को भी संघ का रंग लगता है लेकिन थोड़े समय के लिए स्थायी रहता है। थोड़ा ही शिव बाप को याद किया और जो संघ का रंग लगा वो साफ हो जाता है, और आत्माओं को जास्ती संघ का रंग लगता है और टाइम ज्यादा लग जाता है सफाई होने में। हाँ जी, स्टेटस होना अलग बात है और सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना अलग बात है। वो जो प्रजा होगी, जो भी राजा होगा, वो सब सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टेटस अलग होगा, जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा स्टेटस होगा, जैसी सेवा की होगी वैसा स्टेटस होगा। सेवा के आधार पर नंबर बनेंगे। बाप जिस रीति में ज्ञान समझा रहे हम उसी रीति में उठा रहे, किस आधार पर पता चलेगा हमको, हम लोग कैसा होगा? जो जितना स्थाई है, जो जितना स्थाई है उतना ही सच्चा है, उतना ही पावरफुल है, और जो जितना ही हिलता डुलता है उतना ही झूठा है और कमजोर आत्मा है। एक रस अवस्था में चलते रहना और अनेकों के रस में आते रहना, उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बाद में कैसे डाल सकते हैं? याद में बैठने के बाद मुरली अच्छी समझ में आती है, चाहे वो सवेरा हो चाहे शाम हो, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी उसके बाद मुरली सुनेंगे तो ज्यादा गहराई में जाएंगे, मुरली का तंत्र समझ में आएगा। याद में रहेंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ जी, शुरू शुरू में जो एडवांस ज्ञान निकली बाबा घरों घरों में जाकर ज्ञान सुनाते थे, और आजकल तो दूसरे दूसरे के द्वारा एडवांस का संदेश मिलके वो आते हैं, इसमें अंतर क्या है? आत्मा की क्वालिटी में अंतर पड़ता है। माना जिसने जिनकी सेवा डायरेक्ट बाप ने की है वो आत्मा है, हाँ। जिनको और आत्माओं से संदेश मिल के जो आते हैं बाद में, हाँ, वो आत्मा करते हैं, वो इन दोनों आत्माओं जो भी निकालेगा आप समान ही निकालेगा ना। ये दूसरा निकाल लेगा वही, मतलब हाँ जी। बाबा कृष्ण की 16 भी बच्चा बुद्धि है, तो अभी एडवांस में हम लोग सब लोग जो है वो उनको क्या कहेंगे कुछ अभी उनसे, तो बुद्धि कहेंगे और क्या कहेंगे, उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है?
नहीं, कृष्ण की बुद्धि में तो नहीं बैठती है, लेकिन एडवांस में जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में तो बैठती है। हाँ? तो वो भी बच्चा बुद्धि है अभी क्या? नहीं, उनकी बुद्धि में बात बैठती है, वो बच्चा बुद्धि क्यों हुए? कृष्ण के मुकाबले बच्चा बुद्धि हुए? कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हुए, बापू बुद्धि हुए? लेकिन बाबा जो मंथन करके ज्ञान निकाला है वो तो सारा बाप ने निकाला हुआ है। तो क्या हुआ, उस ज्ञान को मंथन करके ही स्वीकार किया या बिना मंथन करे तो क्या स्वीकार कर लिया? बिना मंथन किए स्वीकार कर लिया क्या? मंथन करके किया। मंथन करके स्वीकार किया बाबा। जो आप समान बच्चों को संदेश मिला डायरेक्ट बाप से, हाँ, उन्होंने आगे चल के धोखा भी तो दिया। एंटी गए, विरोधी गए, एंटी गए, विरोधी गए, वो भी उन्होंने यज्ञ को नुकसान पहुँचाया। हाँ, तो उस समय देवानी होगा बाप। हाँ, अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होती रहती है ना। कुछ आत्मा ऐसी भी तो आई होगी बाद में जिन्होंने, जिनको औरों ने संदेश दिया लेकिन वो कभी यज्ञ के विरोध में नहीं गए। हाँ, तो कुल है, अनेक प्रकार के कुल हैं ब्राह्मणों के। तो भले उनको डायरेक्ट बाप, श्रेष्ठ कुल वाले होते हैं वो सात्विक संकल्पों से जन्म लेते हैं, जो भ्रष्ट कुल वाले होते हैं वो मिक्स संकल्पों से जन्म लेते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट बाप से जन्म लिया ना। डायरेक्ट बाप से जन्म लिया, लेकिन बाप से तो रुद्रमाला के सभी मणकों ने जन्म लिया, क्या कहेंगे? तो रुद्रमाला के मणके विजयमाला के बराबर पावरफुल हुए, काम संपन्न करने वाले हुए या अधूरा काम छोड़ने वाले हुए? उनको निष्कर्ष कहेंगे या श्रेष्ठ कहेंगे? लेकिन बाप की मूर्ति तो तीन मूर्तियों में सबसे ऊंची है। ऊंची इसलिए है कि वो अंत तक अनिश्चय में नहीं आती, और सब अनिश्चय में आ जाते हैं। तो जो बीच वाली मूर्ति है वो अनिश्चय में आती है क्या बाप की? उसको तो अभी निश्चय ही नहीं है, वो तो बाप को पहचाना ही नहीं अभी, उसके निश्चय अनिश्चय में आने की बात ही नहीं, इसलिए उसको बीच में रखा है। हाँ, ये शिफ्ट होगी कि भले लास्ट में आए तो भी प्योरिटी की पावर से फास्ट जाएगी। नौ गोत्र के नाम कौन से बाबा? और तो ऋषियों के नाम पर उन्होंने गोत्रों के नाम रख दिए हैं, कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, जो नौ ऋषि थे, हाँ, सांडिल्य गोत्र, अलग अलग नाम रखे हुए हैं। और बाबा जो यज्ञ के आदि में आए थे, जो आप जिनके लिए कहा गया कि वो नष्ट देव का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तो अपने अपने धर्मों के हेड है, तो फिर वो सूर्यवंश में नष्ट देव में कैसे आ जाएंगे? नष्ट देव में आना अच्छी बात है क्या? नहीं, लेकिन वो तो अपने अपने धर्म के हेड है। नष्ट देव सजा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। सजा खाने वालों में सबसे बड़े होंगे कि छोटे होंगे? नहीं बाबा, लेकिन उनका ग्रुप तो अलग ही है ना पूरा, तो एक ग्रुप में उनको ऐड कैसे कर सकते हैं? किस ग्रुप में? जैसे इस्लाम धर्म का कोई हेड है, तो सूर्य के ग्रुप के चार में कैसे आ जाएगा? ये अभी बताया ही कहाँ, अभी अभी कोई फिक्स कर दिया है क्या? ये तो अभी फिक्स ही नहीं हुई है। हाँ, अभी महाकाली का पाठ शुरू होगा बाबा? अभी नहीं शुरू है, ऐसा तो नहीं कहीं पाठ चल रहा हो तो पता न चला हो, काम शुरुआत कर दियो। बाबा सिद्धिनाथ को भुजाएं नहीं दिखाई है? सिद्धिनाथ को? जगन्नाथ को? हाँ, जगन्नाथ को भुजाएं दिखाई है, लेकिन टूटी हुई भुजाएं दिखाई है। क्यों बाबा? क्योंकि सहयोगी टूट जाते हैं, जो मुख्य सहयोगी है वो ही टूट जाते हैं। एक भी सहयोग नहीं रहता? अरे मुख्य सहयोगी टूट गए तो और कौन बचेगा? जो जन्म जन्मांतर के चिर संगी साथी हो, चिर संगनी हो, वो ही टूट जाए तो और दूसरों का क्या हाल होगा? महाभारत में दिखाया है
कृष्ण जिसने महाभारत युद्ध कराया, भागवत का नायक बन के रहा, वही कृष्ण मृत्यु के समय अकेला रह गया, कोई नहीं था संगी साथी। बाबा ऐसे बताया कि रुद्रमाला के मणकों में अंदर 14-14 आत्माएं भी प्रवेश करेंगी, तो क्या वो सब बीके से ही होंगी? और कहां से होंगी? बाहर की दुनिया से जो अकाले मौत मरते वो नहीं प्रवेश करते। उनका उनसे क्या कनेक्शन? अच्छा, और बाबा जब द्वापर युग में ऊपर से जो आत्मा उतरती है, बीज रूप आत्माओं में भी प्रवेश कर सकती है? पहले पहले जन्म में बीज रूप आत्माओं में प्रवेश कर सकती है? हाँ, जैसे प्रवेश करके एक जन्म लेते फिर दूसरे जन्म में घर पर से आने वाली आत्मा जो है वो आत्मा जो है वो नीची कोटि की है। जो बीज रूप आत्माएं 84 जन्म लेने वाली हैं उनके मुकाबले या ऊंची कोटि की है? नीच कोटि की है ना, तो नीचे देवता में प्रवेश करेगी, उनमें कैसे आ जाएगी? जो और भी तो 3300 देवताएं हैं, नंबर वार उनमें आएगी। माने द्वापर कलयुग में उनमें आत्माएं से प्रवेश नहीं होगी, बीज रूप आत्माओं में कभी भी? जो भी 3300 देवताएं हैं उन 3300 देवताओं में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती रहती है, जो जिस ग्रुप की होंगी उसमें वो प्रवेश करेगा। 4.5 लाख बीज उनमें ही प्रवेश था, 4.5 लाख बीज जो है वो तो यहाँ की बात है, उनमें तो ये आत्माएं प्रवेश करती हैं, ब्रह्मा सरस्वती जैसी। द्वापर युग से फिर दूसरी आत्माएं कहाँ? ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं और कहाँ वो आत्माएं जो द्वापर युग से नीचे उतरती हैं? तो दूसरे धर्म की होगी है? नहीं जी बाबा, 4.5 लाख में जो दूसरे धर्म के बीच उनमें भी प्रवेश करेंगी जो द्वापर? अभी नहीं प्रवेश कर रहे हैं, अभी अभी उनका प्रवेशता का पार्ट पूरा नहीं हो रहा है। अभी तो हो रहा है फिर तो वहाँ भी प्रवेशता होगी फिर द्वापर युग के उनमें क्यों प्रवेश? वो तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं बाबा, जो आत्मा प्रवेश करती हैं जो दूसरे पे जो चली जाती हैं, प्रारंभ पर भी रहती है अंत में, और प्रवेश करती हैं और भाग जाती हैं, तो भाग जाती हैं कि भगा ले जाती हैं? भगा ले जाती हैं। पाप नहीं चढ़ेगा उनके ऊपर? पाप नहीं चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा उनका पाप, तो वो अपना पाप जो है जो पूर्व जन्म में पाप हिसाब किताब किया है पाप का वो पूरा करने आती है। जैसे बाबा से जुड़े हुए और वो तोड़ के ले जा रही है तो फिर उसके ऊपर वो तो शरीर ही नहीं है, शरीर के द्वारा पाप पुण्य बनता है कि बिना शरीर के बनता है? शरीर द्वारा बनता है, वो शरीर ही उनका नहीं है, उन्होंने तो अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा कर लिया। उसमें कार्ड तो प्रवेश करने वाली आत्मा ही काम करती है। एक मुरली करती है, करती है, लेकिन वो प्रवेश किया क्यों उसने? ये कमजोर पड़ गया, हिसाब किताब है ना पूर्व जन्म का, इन्होंने ऐसा हिसाब किताब किया होगा उस आत्मा के साथ, तो उसने आके बदला ले लिया। जिसने प्रवेश किया वो तो आत्मा बाप के संग में है, बाप की याद में, भले बाप की याद में है, लेकिन वो जो आत्मा उसने दुख भोगा पिछले जन्म में और उसने अच्छे काम में टांग अड़ाई तो हिसाब पूरा नहीं करेगा? तो बाबा यहाँ जो शूटिंग मतलब द्वापर युग का शूटिंग चल रहा है, कलयुग के शूटिंग में प्रवेश कर रही है, तो वहाँ द्वापर कलयुग में भी वो आत्मा इंटरफेयर करेगी उस बीज रूप आत्मा को? कौन सी आत्मा? जैसे अभी जो आत्मा जैसे बीज रूप आत्माएं हैं यहाँ पे जैसे रह रही हैं, उसमें कोई सोल प्रवेश करके उसको खींच के ले जाती है यहाँ से, तो ये जैसे कलयुग शूटिंग का पीरियड चला या द्वापर युग शूटिंग का पीरियड चला, तो जब वो बड़ा ड्रामे में आएगा तो वो आत्मा फिर इंटरफेयर करेगी अपने टाइम के आगे? बिल्कुल करेगी, ड्रामा तो यही रहेगा, शूटिंग तो यही रहेगी, दूसरी हो जाएगी। तो प्रवेश करके इंटरफेयर करेगी कि ऐसे ही मतलब जन्म लेकर के आएगी? प्रवेश करके क्यों करेगी, प्रैक्टिकल में करेगी। बाबा ये गोत्र के नाम और उनके अर्थ जो है, जैसे कश्यप का बताया कश्यप को पीने वाले, ऐसे बाकी के गोत्र के नाम और उनके अर्थ बताना। अब मुरली में आप वाणी में तो बोला नहीं है, ये आप इधर उधर बुद्धि क्यों चला रहे हैं इतनी? जब बाबा को जरूरत होगी तो खुद ही क्लियर कर देंगे। हैं? तीन नाम बता दिए ना इसलिए। अरे वो सारे नाम मिल जाएंगे पंडित लोगों से। तो वो भी नहीं बता सकते। हम उनको पूछ के लेके आएंगे बाबा। शास्त्रों में खुद निकाल लो। वो उसमें तो और ज्यादा है। सप्तऋषियों के नाम क्या क्या है शास्त्रों में दिए हुए हैं? बाबा एक मिनट, उनको भी नहीं मालूम है। मालूम करने की दरकार है क्या? हमें जिससे दरकार है वो हमें मिल गया, फिर हम दूसरे को क्यों ढूंढें?
एक कश्यप गोत्र से काम नहीं चलता है, है? चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। फिर और बाबा ऊपर से द्वापर युग में जो भी धर्म पिता उतरते हैं वो पुराने धर्मों का विनाश नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे पावरफुल है। हाँ जी। तो जब वो पुराने धर्म जो है वो पावरफुल है, सबसे ज्यादा पुराना इस्लाम धर्म है, तो वो द्वापर युग में आके सबसे ज्यादा कमजोर कैसे बन जाता है? पहले तो फिर वो जो सबसे छोटा भाई है जो सिख की आत्मा है उसको ज्यादा कमजोर बन जाना चाहिए क्योंकि वो इस्लाम धर्म से कमजोर है, उसमें प्रवेश करना चाहिए ऊपर से आने वाली सोल को। सिख धर्म में मालूम कौन सी आत्मा इकट्ठी होती है? नहीं, सिख धर्म हो जाए, आर्य समाज हो जाए, कोई भी हो, आर्य समाज कैसे हो, आर्य समाज वाली आत्मा दूसरे दूसरे धर्मों में से कन्वर्ट होती चली जाती है, एक धर्म से कन्वर्ट हुए दूसरे धर्म में गिरे, दूसरे धर्म से कन्वर्ट हुए तीसरे धर्म में गिरे, वो तो सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा है। सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा तो द्वापर युग में सबसे पहले इब्राहिम को उसमें प्रवेश करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, जो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होता हुआ जाता है वो अनेक धर्मों से उनकी श्रद्धा हटती जाती है, इधर से भी श्रद्धा हटी, उधर से भी हटी, उधर से भी हटी, तो लास्ट में आके वो अर्धनास्तिक बन जाता है। बाबा जैसे इस्लाम धर्म सबसे बड़ा भाई है और आर्य समाज ही धर्म सबसे छोटा भाई है, तो सबसे छोटा भाई पहले कमजोर हो जाना चाहिए द्वापर युग के आदि में, इस्लाम धर्म सबसे पहले कमजोर क्यों हो जाता है? तो कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ शूटिंग हुई होगी वैसा ही होगा ना? है जिस नारायण की औलाद बना होगा वो उसी नारायण की औलाद बनेगा ना? पहले सबसे पहले कमजोर तो जो बड़ा भाई है वो बन जाता है। अरे छोटे भाई तो लास्ट तक भी कमजोर नहीं बनता। हाँ तो जो पहले कमजोर बनता है उसमें पहले आने वाला धर्म पिता प्रवेश करता है। हाँ जी। माया बेटी वो बाप का टाइटल प्राप्त कर लेता है सर्वशक्तिमान, और बाप भी सर्वशक्तिमान मिलते हैं, बाबा शांति की दुनिया स्थापना करते हैं, और माया बेटी का जब राज्य मिलता है द्वापर युग से खिला देते हैं, ठीक है? तो वो टाइटल का मतलब क्या है? वो टाइटल का मतलब यही है कि वो अशांति में स्थापन करने में सर्वशक्तिमान है और वो शांति स्थापन करने में सर्वशक्तिमान है। ये ताकत तो सुप्रीम सोल से मिली ना, है माया को जो पावर है कहाँ? सुप्रीम सोल न किसी को देता है न कुछ लेता है, वो सिर्फ ज्ञान देता है। तो माया का वो तो हिसाब बता दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फार्मूला दे दिया। लेकिन गलत काम करने पर इतना सर्वशक्तिमान कैसे? गलत काम कहाँ किया, वो पहले सरेंडर होती है, गलत काम हुआ दुनिया द्वापर कलयुग, पहले सरेंडर होना गलत काम है तेरे, वो तो सही है। तो फिर बाबा उसके लिए कुछ रास्ता ही नहीं बचता, बाद में सरेंडर होती है, लास्ट में कुछ रास्ता ही नहीं बचता। तो आप क्यों नहीं सरेंडर हो जाते? आप क्यों बुद्धि चलाते रहते हैं? है आप सरेंडर हो जाओ, मौका तो आपको भी मिला हुआ है। 33 को देवी देवता को अंदर आत्मा प्रवेश करते हैं और बोला है मुरली में ये देवता के अंतर में 9-10 आत्मा होती है, इसके अंतर क्या है? क्या 9-10 करोड़ होते हैं देवता के अंत में आत्माओं का संख्या 9-10 करोड़ होते हैं। है? और इधर अभी बोल रहे हैं ये 33 को देवी देवता के आत्मा होते हैं उसमें प्रवेश करते हैं दूसरे दूसरे घर के, अंतर क्या है? 9-10 करोड़ है 33 करोड़, वो 23 करोड़ है जो द्वापर युग से उतरते हैं प्रवेश करते हैं। हाँ, और वो 10 करोड़ है जन्म, जो 10 करोड़ है उन्होंने उन्होंने वो पुरुषार्थ किया है जो बाबा बताते हैं 21 जन्म की बात सही तुम लेते हो, कम किया है तो 1 जन्म की तो लेंगे कम से कम। हाँ माने 21 जन्म की प्राप्ति तो बाप से होती है और जो प्राप्ति करने वाले हैं वो 23 करोड़ है, मतलब वो उनसे प्राप्ति करते हैं। इसके मतलब जो 4.5 लाख आत्मा होती है बीजेपी बीच में से 9-10 करोड़ बनता है, हैं? अंत में जाके हाँ इनकी संख्या बड़ी बढ़ते हैं और दूसरे धर्मों की आत्मा 23 करोड़ आ जाते हैं। दूसरे धर्म की क्यों आ जाती है? कन्वर्ट होने वाले आ जाते हैं ये कह सकते हैं। है बाबा जो बीते में जो है शरीर छोड़ देते हैं तो पाप कर्म के पूरे नहीं हो पाते, वो उनको सजा कैसे मिलेगी? पाप कर्म पूरे नहीं हो पाते मतलब उनका नहीं हो पाते नहीं हो पाता है शरीर छोड़ देते ना? नहीं नहीं, वो अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस बाप को याद करते हैं वो श्रद्धा विश्वास उनका पूरा होता है।
तो शरीर धारण करा के सजा दूंगा, लेकिन आत्मा तो फिर अनुभूति नहीं होगी जब उसको शरीर शरीर धारण करा के सजा देता हूँ। प्रवेश करके नहीं बाबा, धारण करा के। वही प्रवेश करना माने शरीर धारण कराना, तो फिर तो शरीर धारी की अनुभूति होगी सजा की, तो उसको थोड़ी होगी आत्मा को। नहीं उसको भी होती है, हाय हाय करती है। औलिया लोग होते हैं वो बाल आल बांध लेते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो चिल्लाती है बुरी तरह से, निकल भी नहीं पाती। हाँ जी बाबा, धर्मराज का पाठ शुष्क बर्तन में होता है क्या? शुष्क बर्तन में क्या धर्मराज का पाठ होता है? शुष्क बर्तन कहाँ होता है? साकर नहीं कैसे धर्मराज का पाठ चलता है? शुष्क बर्तन में कैसे चलता है? शुष्क बर्तन कैसे चलता है धर्मराज का पाठ? शुष्क सजाएं शुष्क। वो तो बात ऐसे ही हो गई कि दो कबूतर हाथ में पकड़े हुए हैं, एक उड़ गया, उन्होंने कहा कैसे उड़ गया, उन्होंने दूसरा भी छोड़ दिया, क्या शुरू कर दिया जाए? वो अनुभव तो प्रैक्टिकल जो अनुभव करेंगे वो ही जानेंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो ऐसे गुप्त पाठ बजाने वाले अभी कोई बने हैं क्या? धर्मराज का पाठ जो किस व्यक्तित्व के द्वारा बजेगा? शिव तो कल्याण काम करता नहीं, शंकर विनाश नहीं करता, किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा। फिर और शक्तियों में कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा। फिर जगदम्बा के द्वारा करेगा। शक्तियाँ ही असल संघारिणी है, या कोई देवताओं को बताया गया नाम? एक अभ्यक्तवाणी में बोला कि धर्मराज का पाठ स्वतंग एवं नेचुरल होगा। हाँ नेचुरल नहीं हुआ और नेचुरल होगा है? जो नारियल पार्ट होता है वो तो शंकर जी का होता है, रियल होगा कि नहीं? नारियल होगा है? रियल भी होगा, रियल होगा तभी तो दुख अनुभव होगा, अंदर से पश्चाताप करेंगे, हाय हमने ये क्या किया, इतनी सजाएं खा रहे हैं। धर्मराज सजा देगा और उनके सहयोगी बन जाए तो मिलेगी है, मैंने उनके कोई सहयोगी भी बन जाएंगे। हाँ धर्मराज है, मम्मी माने धर्मराज का पाठ बजाएंगे। अच्छा तो उनके कोई माने उनके साथ सहयोगी बन जाएंगे तो उनको उनने पाप लिया उनको माने सजा मिलेगी। एक्चुअली तो मम्मी भी धर्मराज का पाठ नहीं बजाती, धर्म का राजा ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जो पाठ बजाता है उसके मूल में भी कोई बीज छुपा हुआ है। अष्ट देवताओं में धर्मराज का भी रूप है, उनमें भी कोई धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा अष्ट देवता। उसके द्वारा सजा मिलती है, अभ्यक्तवाणी में बोला है इसी साल। इन दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाले कोई थे यज्ञ के आदि में? यही अष्टदेव उनने बाबा जो धर्म का राजा धारणाओं का राजा है, क्या उसके वंश का बीज है? वंश में तो आठों देवता है, आठों है लेकिन सबका अलग अलग धर्मों से कनेक्शन है, जो उसमें से जो सूर्यवंश से जिसका कनेक्शन है क्या वही है? सभी का सूर्यवंश से कनेक्शन है, अष्टदेवों में से ऐसा कौन सा है जिसका सूर्यवंश से कनेक्शन नहीं? इसका इस्लाम वंश से भी कनेक्शन है बाबा है, इस्लाम वंश से भी कनेक्शन है। हाँ आखिरी जन्म में थोड़े समय के लिए होता है। हाँ तो जो धर्मराज बनने वाला है हाँ? वो कौन से वंश से आखिरी जन्म में ज्यादा देर तक बनता है? सबसे ज्यादा जल्लाद धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सा है? क्रिश्चियन। महाशत्रु कौन है?
हो गया बंद करें बाबा। हाँ कभी कभी आपसे बात नहीं होती है तो किसी का मन चेहरा लटक जाता है, बात नहीं होती है बाबा, संकल्प संति रहते उसका क्या साथ बताओ। हाँ तो ज्यादा बातें की होंगी पूर्व जन्म में, अब आदत पड़ गई है, बातें भी की होंगी फिर लातें भी लगाई होंगी। बस बंद करे बाबा। गीता माता, हाँ गीता माता बुद्धि नहीं बैठा, गीता भगवान कृष्ण है। हाँ इतना लंबा समय बाप ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी इतना लंबा समय पुरस्कार दे। बाबा ने तो बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे बाप को नहीं मेरे को नहीं पहचान पाते, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजाता हूँ उसको नहीं पहचान पाते, नई बात क्या है इसमें, सबसे ज्यादा साथ कौन रहता है, नहीं तुम रहते हैं। जिसका कितना लंबा चौड़ा मेला मनाया जाता है, इतना बड़ा मेला और किसी का लगता नहीं, जिसने इतना ज्यादा मिलन मेला मनाया वही अगर वो रूप को नहीं पहचान पाता है तो औरों का हाल क्या होगा। इतना ज्ञान क्लियर होने के बाद है और आष्टदेव थोड़ा समय रहते हैं साथ रूप को पहचान, वो पहचान लेते हैं रूप को पहचान, तब तो इतना बड़ा मेला लगता है। हैं रूप को पहचान तब तो इतना बड़ा मेला लगता है। कभी कभी मजबूरी भी होती है। कोई कोई पुष्करणी ब्राह्मण भी होते हैं, उन्हें धक्का मुक्की करके आगे बढ़ा दिया जाता है। और दुर्गा लेकिन बड़े तो हैं आगे है? आगे बढ़ते शुरुआत बड़े शुरुआत कुछ हुई उनके द्वारा, किसके द्वारा लग रहा है। हाँ तो जो शुरुआत हुई उनमें कोई लक्ष्मी बनेगा, जो शुरुआत की उससे सरेंडर तो ढेर हुए, लेकिन संपूर्ण सरेंडर हुए या पुष्करणी ब्राह्मणों जैसे सरेंडर हुए, नंबर वार हुए ना, संपूर्ण सरेंडर तो कोई नहीं हुए। बाबा अष्टदेव में ऐसी क्या बात है कि उन्होंने थोड़े समय रह के ही पहचान लिया, और पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा उनका अच्छा, यहाँ भी तो ऐसी कोई बात उनके अंदर विशेषता होगी। हाँ जो और श्रीमद को फॉलो करने की बात होती है और कौन सी बात होती है। बाबा ये अष्टदेव भी नंबर वार धर्मराज होंगे है, नंबर वार ये भी धर्मराज का मतलब पार्ट हो जाएंगे, धर्मराज सबका ही लिए होंगे, होगा तो होगा। वो अपने शरीर में होंगे कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगे, ब्रह्मा की तरह तुम बच्चों को भी दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाना है। लेकिन बाबा पाठ धर्मराज का ब्रह्मा की टोली बजाएगी ना, किसी का प्रवेश करें है, धर्मराज का जो पाठ है वो तो ब्रह्मा की टोली बजाएगी ना। लेकिन पूजा कौन सा स्वरूप जाता है, धर्मराज जो है अष्टदेवों में एक देवता है, वो देवता पूजा जाता है तो ब्रह्मा के द्वारा गीता माता के द्वारा पूजा जाता है, गीता माता के द्वारा पूजा जाता है, अष्टदेव वो अष्टदेवों में है ब्रह्मा या जगदम्बा, ईश्वर बाबा है, ईश्वर ईश्वर अलग बात, ईश्वर तो अलग बात है, यम बाबा। हाँ यम यमराज यम यमदेव। लेकिन बाबा ब्रह्मा बड़ी माँ तो गीता माता के द्वारा ही कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, सो अष्टदेव में है वो गीता माता जो है, वो या जगदम्बा है वो अष्ट रतन में है या अष्टदेव में, अष्ट रतन में। और असुर संहारिणी दुर्गा कहा जाता है और काली को भी असुर संहारिणी कहा, ठीक है तो दोनों के रूप में फर्क है, तो दुर्गा सात्विक रूप है वो तामसी रूप है, तो दुर्गा को जगदम्बा ही महाकाली का पाठ बजा देगी,
तामसी बनती है तो महाकाली का पाठ बजाती। दो बाबा दो दिखाया ना महाकाली में, तो काली और एक महाकाली, दो आत्माओं का मेल। तो सब नंबर बार नाम दे दिए जाते हैं। जब दुर्गा का पाठ है तब उसे धर्मराज कहेंगे। दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली है। जब दुर्गुण दूर हो जाते हैं तो सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। वह महाकाली किसको विनाश करते हैं? कालीपन को विनाश करती है और किसको विनाश करती है? दुर्गा जी को विनाश करी। कालेपन से ही काला रंग धोया जाता है। टीचर दुर्गा जी को विनाश करते हैं। दुर्गा जी तो विनाश करी। हाँ विनाश करते हैं। किसको विनाश करते? कालीपन का विनाश करती है दुर्गा जी। हाँ लोहे से लोहा काटा जाता है, बीच से बीच मारा जाता है। कोयले से कोयला साफ नहीं होता है। कोयला कोयले से कोयला साफ नहीं होता है, लेकिन कोई केमिकल ऐसा होता है कि काला होता है और साफ कर देता है। जैसे सांप का विष है, उससे गहरा विष होता है, कितना रंगीन होता है और उसको साफ कर देता है। बाबा अष्टदेव में धर्मराज का पार्ट जिसको बजाने वाला व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनैलिटी कोई मुकर्रर होगी ना धर्मराज का पार्ट बजाने की? हाँ, कोई मूल होगी, उसी का नाम गाया जाएगा। बाबा बुद्धि में तो सारा ज्ञान रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं कि उनका उस टाइम पे तुम्हारे संकल्प उठते हैं या तुम्हारे अंदर सोल घुसती है उसके संकल्प उठते हैं? वो तो हमको पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? एक ही व्यक्ति दो तरह के पार्ट बजाएगा, दो तरह की बातें बोलेगा। नहीं तो हमारा उस वक्त ज्ञान कहाँ उड़ जाता फिर? तुम्हारा वो पावरफुल सोल जब तक है तब तक तुम्हारे ज्ञान को उड़ाएगी, अपने संकल्प चलाएगी। वो संकल्प होगा उस समय बीजू के स्टेज में, ठीक हो? प्रभाव में क्यों आते हो? प्रभाव में आना माने उसकी प्रजा बनना। बाबा अष्टदेव का अंदर भी सोल प्रवेश करता है? सभी में प्रवेश करती है। अष्टदेव में पहला देव नहीं है, है? जब उसमें सोल प्रवेश कर सकती है तो दूसरों में नहीं प्रवेश कर सकती? उसमें सिर्फ ब्रह्मा की ही सोल प्रवेश करती है। ठीक है, तो दूसरों में दूसरी सोल नहीं प्रवेश कर सकती? माने बाबा जब ढेर सारे संकल्प उठते हैं और कोई संकल्प विकल्प को चलते हैं, माने सोल ही प्रवेश किया और कोई बात हो नहीं सकती? दो तरह के जब संकल्प उठते हैं, दो दो बातें जब होती है। अभी एक बात, अभी जस्ट दूसरी बात। तो उतार चढ़ाव चलता है। उतार चढ़ाव नहीं, उतार चढ़ाव जिसका उतार कौन करता है, चढ़ाव कौन करता है? माने सोल से जिम्मेवार है और कोई माने? अरे चढ़ाव शिव बाबा करता है, उतार दूसरी आत्मा माया भी आत्मा ही करती है। बाबा जैसे एक सप्ताह का भी लेना है, जैसे चार पांच बजे अवस्था बहुत अच्छी रहती है, चढ़ती जाती है, है? और एक दिन ऐसा होता है कितना भी मतलब कोशिश करें फिर भी वो पूरा नीचे चली जाती है। पाप पुण्य, पुण्य और पाप कर्म दोनों तरह के कर्म नहीं किए 63 जन्मों में? दोनों तरह के कर्म किए या एक ही तरह की किए? सोल भी प्रवेश करती है क्या उसका? कुछ टाइम पर सोल भी प्रवेश करती है, ऐसी अवस्था जब नीचे जाती है कंट्रोल नहीं होती है, उसे सोल प्रवेश करना कहा जाएगा? सोल प्रवेश करने की बात नहीं है, सोल प्रवेश करने की निशानी ये बताइए कि दो दो तरह की बातें करेगी, वो सोल की प्रवेशता की निशानी है। बाकी अवस्था नीचे ऊपर होती है तो रील घूम रही है शूटिंग की, बातें करना तो अलग है, संकल्प विकल्प जो चलते हैं। हाँ वो भी दो तरह के चलते हैं, ये भी संकल्प भी चलते हैं, अच्छे संकल्प भी चलते हैं, अच्छे संकल्प चलते हैं। अच्छे संकल्प चलते हैं वो ईश्वरी ज्ञान की निशानी है, ईश्वर का प्रभाव है। बाबा जैसे कि पाप कर्मों की वजह से भी बुरे बुरे संकल्प चलते हैं और सोल की प्रवेशता से भी चलते हैं। पाप कर्मों का जब उदय होता है तभी सोल प्रवेश करती है। बाबा इतना लंबा टाइम होते हुए फार्म में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? सफलता प्योरिटी से मिलती है, दुनिया के हर काम प्योरिटी से होते हैं। तो आत्मा हो ही जैसे तो है, तो आत्मा हो ही नंबर का रुद्रमाला में है फार्म पे। हाँ हाँ फार्म पे, फार्म पे है। कोई विजय माला की भी मर के आगे क्या है? हाँ ये कहो नंबर वार है।
बाबा अच्छे भी हैं। और दुख धाम का मतलब जो हेड है जगदम्बा का माने। तीन मूर्तियां हैं, एक मूर्ति दुख धाम के नजदीक, एक मूर्ति शांति धाम के नजदीक। तुम्हारी बुद्धि में जगदम्बा ही क्यों नहीं, क्यों आता है? ब्रह्मा कुमारी उनकी बुद्धि में ब्रह्मा का प्रश्न क्यों नहीं आता? उनकी उनकी बुद्धि करेगी चलेगी तो ब्रह्मा को आगे रख देंगे। क्या ब्रह्मा दुखधाम का रचयिता है? आप क्या पूछेंगे? आपका कनेक्शन जगदम्बा की आत्मा से है, उनका कनेक्शन ब्रह्मा की आत्मा से है। दोनों को प्रश्न पैदा हो रहा है, उनको ब्रह्मा के लिए प्रश्न पैदा हो रहा है जब ये नई बातें सुनते हैं एडवांस की। तुमको जगदम्बा के लिए प्रश्न पैदा होता है क्या? ऐसा है? हाँ, उनको तो फाउंडेशन की नींव कहा गया है। इनको जगदम्बा को फाउंडेशन काहे का फाउंडेशन? स्वर्ग का फाउंडेशन या नरक का फाउंडेशन? एडवांस ज्ञान का, एडवांस नॉलेज का फाउंडेशन नहीं, अपना का, अपना का फाउंडेशन। सरेंडर होने में, सरेंडर होने में नंबर एक गया। हाँ, सरेंडर होने में नंबर वन है, लेकिन जो सरेंडर हुआ वो सरेंडर अधूरा हुआ। संपूर्ण बौद्धिक पावर से सरेंडर हुआ या आधी पावर से सरेंडर हुआ? लेकिन गाड़ी आगे नहीं चलती ना। आगे तो चली ना, वो सरेंडर हुई तो गाड़ी आगे भी चली। आगे चली ना, लेकिन वो उससे काम संपन्न हुआ या अधूरा रह गया? राजधानी स्थापन हुई या अधूरी रह गई? लेकिन उनका जो पार्ट है वो कोई और बजा भी नहीं सकता था। दूसरे को बजाने की जरूरत क्या है जब जीवन का लक्ष्य ही नहीं दिया हुआ है जगदम्बा बनने का? जीवन का लक्ष्य क्या दिया हुआ है? लेकिन उसी फाउंडेशन खड़ी होकर लक्ष्मी बनने वाली आत्मा लक्ष्मी बनती है ना। किस फाउंडेशन में खड़ी होकर? जो एडवांस नॉलेज तैयार हुई है, बना बनाया उसको, ज्ञान का घड़ा, ज्ञान का कलश लक्ष्मी को तो जगदम्बा से ही मिलेगा ना। मिलेगा, वो जब उठाते उठाते थक जाती है ट्रांसफर कर देती है तो लक्ष्मी को तो रेडीमेड मिल गया। एक होता है उठाने वाला, वजन सहन करने वाला, और एक होता है बांटने वाला। मिला तो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान, लेकिन बांटा कितने? बांटने से भागी बनेगा या सिर्फ उठाने उठाने से भागी मिलेगा? लेकिन वो अगर नहीं उठा दी तो लक्ष्मी से भी भाग्य नहीं देखते। तो बाबा ने उठवाया, बाबा की लियारी करो, बुद्धि एक तरफ मत झुका दे। हम तो बैलेंस में चलते, उधर बैलेंस है इसे। वहाँ ब्रह्मा की तरफ बुद्धि झुक गई सबकी, यहाँ जगदम्बा की तरफ बुद्धि झुक गई। बाबा को गुस्सा आ जाए तो ले हो, अच्छा पेट भर ले हो। बाबा दुग्धाम स्थापन करने वाला जगदम्बा अगर है, हाँ? तो उसको इंट्रोड्यूस तो ब्राह्मण परिवार के सामने बाबा ने किया है। हाँ? तो दुग्धाम फिर स्थापन करने वाला फिर बाबा के ऊपर जाएगा, फिर वो तो सारा बाबा के ऊपर क्यों जाएगा? तो इंट्रोड्यूस उनको किसने किया? उनको तो इंट्रोड्यूस और आगे बाबा ने किया है बच्चों के सामने। तो क्या हुआ? इंट्रोड्यूस सदगति के लिए किया या दुर्गति के लिए किया? काय के लिए किया? जो कुछ बाबा ने किया। माँ दुर्गति बाबा ने की, उनको इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस किया सदगति के लिए किया या दुर्गति के लिए किया? काय के लिए किया? हुआ तो बाबा जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ किया किसने? निमित्त कौन बना? बाबा बना। एक तरफ बाबा ये भी, अगर माताओं की दुर्गति होती है तो उसका निमित्त शिव बाबा बनता है? नहीं, एक तरफ बाबा ये भी तो पत्ता भी नहीं हो सकता है सत्ता तेरे। वो कब का आया गायन? वो किस समय का गायन है? अभी का गायन है, लास्ट समय का गायन है? अभी तुम सब पत्ते जो है श्रीमत में चल रहे हैं, तब इतना नुकसान हो रहा है खेत में। दिल्ली के आगे तो सबको माथा टेकना ही पड़ेगा। वो तो टेकना पड़ेगा क्योंकि श्रेष्ठ है। हाँ, माताओं को धक्का भी तो ज्यादा दिया है क्योंकि श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, माताओं को धक्का भी तो ज्यादा दिया है, नहीं दिया है? प्रकृति को पोल्यूट किसने किया? कि जिन्होंने पोल्यूट किया है उनको ही फिर मानना भी पड़ेगा, सर माथे पर भी रखना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ है ना? हैं? जगदम्बा श्रेष्ठ है ना? अति श्रेष्ठ नहीं है। बाबा मुरली बोला दिल्ली का परिवर्तन विश्व का परिवर्तन। हाँ, इसका मतलब क्या? बिगड़ा है ना? अरे तो जब तक औरों के मुकाबले ज्यादा बिगड़ा है या सुधरेल है? सुधरेल है।
है तो पूरा ही झुका हुआ ब्रह्मा की तरफ। दिल्ली का परिवर्तन नहीं होगा तो दिल्ली का परिवर्तन तो सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार माने सारी दुनिया का सुधार, तो सबसे ज्यादा बिगड़ी कौन? फिर तो उसका जब परिवर्तन होगा तभी तो और परिवर्तन करने के लिए तो बाबा आया ही हुआ है। तो फिर दुखधाम का मालिक फिर कैसे? अपने अपने कर्म बनाते हैं दुखधाम का मालिक। ज्ञान तो बहुत अच्छा मिला है लेकिन उस ज्ञान को अच्छे तरीके से उठाना भी चाहिए ना, कि अपनी मनमत पे चलना चाहिए या मनुष्य की मत पे चलना चाहिए। माताओं में यही तो गड़बड़ी होती है। ये भी तो ध्यान दिया कि ये राम है, अब ये राम है महाराज कम संभाजी में जाना जरूरी है क्या? और करे बात बता लो अच्छा ताकि तुम अपने जमीन जायदाद बेच ला के सबसे आगे निकल जाओ जैसे थोड़ा सा बचा लग होगा पहले भी कितना बचाया जाएगा सब बता दिया जितना बता देवता से सारा काफी होता है अपनी बता दिया।